शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना के अंतर्गत नगरी क्षेत्र में स्थित यूको बैंक में एक नाबालिग ने बुजुर्ग की जेब काट दी। जेब काटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुजुर्ग की शिकायत पर बैराड़ थाना पुलिस ने चोर गिरोह गैंग की तलाशी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बैराड़ थाना नगर के यूको बैंक में सोमवार की दोपहर बैंक खाते में जमा पैसे जानकारी के लेने पहुंचे टौरिया खालसा गाँव के निवासी परमू जाटो उम्र 60 वर्ष के कुर्ते की ऊपर वाली जेब से किसी अज्ञात चोर ने 6,000 रुपये निकाल लिए। घटना की शिकायत पीड़ित ने बैराड़ थाना पहुँच कर दर्ज कराई। बैराड़ थाना पुलिस ने यूको बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें लाल पॉलिथीन लिए खड़े एक नाबालिग युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। सीसीटीवी कैमरे में एक नाबालिग युवक ने परमू जाटो के पीछे हाथ में लाल पॉलिथीन लिए खड़ा है और अचानक से उसने पॉलिथीन उठाकर वृद्ध के कंधे पर रखा और जेब से पैसे निकालकर बाहर चला गया। सीसीटीवी कैमरे में नाबालिग के साथ दो अन्य नाबालिग युवक भी देखे गए। बैराड़ थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? परमू। क्या हो गया तुम्हारे साथ? चोरी हो गई, मैं पैसा निकाल गई चेन में। कहाँ से? गैंगू के गैंग। कितने पैसे थे? 6,000 रुपये। कौन ने निकाले? कहाँ पता हो, मेरा जान तो कौन ने। शक्ल देखी तुमने? नहीं देख पाई। तो पता नहीं पड़ो? हाँ पता नहीं पड़ो। उनको दीजिए तो कैसे निकले? अरे जेड धक्कन नहीं लगा पाया मैंने।